देखो जो स्प्रिंग है, रूल नंबर वन, स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचर इलास्टिक है। स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, या आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है स्प्रिंग की, ठीक। दूसरा, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग ले लिया, ये स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग की नेचर है ये ऐसी रहना पसंद करता है, ना तो एक्सपेंडेड कंडीशन में ना कंप्रेस्ड कंडीशन में, ना तो दबना चाहता है ना ये एक्सपैंड होना चाहता है, और ये ऐसा ही रहना चाहता है जैसे ये है। इस सिचुएशन को बोलते हैं ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ का मतलब ना ये एक्सपेंडेड है ना ये कंप्रेस्ड है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये स्प्रिंग है। पर आपने क्या किया, स्प्रिंग को एक हिस्से से बांध दिया और आपने इसको खींचना शुरू कर दिया। तो जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो स्प्रिंग, ये देखो एक्सपैंड हो गया, क्यों? क्योंकि आपने सपोज इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, सपोज 10 न्यूटन। तो जब आपने फोर्स 10 लगाओ, 20 लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। तो स्प्रिंग की एक्सपेंशन कितनी है, स्प्रिंग की एक्सपेंशन है यहां पर एक्स। क्लियर है यहां तक? तो स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। या उल्टा भी ट्रू है, अगर आप स्प्रिंग को दबाएंगे है ना, कंप्रेस करेंगे, तो एक्स कंप्रेस कर दिया तो एक्स को क्या बोलेंगे, उस केस में स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और एक्स इज द कंप्रेशन। तो यहां पर एक्स इज द एक्सपेंशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब किसी स्टूडेंट ने कहा, सर अगर मैं थोड़ी ज्यादा फोर्स से खींच दूं इसे, 10 की जगह 20 न्यूटन से खींच दूं, मैंने कहा खींच, तो तेरी जो एक्सपेंशन है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। किसने कहा कि चलो मैं 25 न्यूटन से खींच दूं, मैंने कहा खींच ले, तेरी एक्सपेंशन और बड़ी हो जाएगी। कोई कहता है मैं 2000 न्यूटन से खींच लूं, मैंने कहा स्प्रिंग उखड़ जाएगा या फिर बिल्कुल एक रस्सी बन जाएगी, फिर मत कहियो कि स्प्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या स्प्रिंग वापस नहीं आ रहा। तो इतने की फोर्स लगानी है कि स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी लूज ना करे। तो लगाने को तो कुछ भी लगा दोगे, पर हम इस चैप्टर में उतनी फोर्स लगाएंगे ताकि उतनी फोर्स टॉलरेट कर पाए, कहीं टूट ना जाए। तो वो क्वेश्चन पूछने वाला आपको ऑलरेडी वही फोर्स देगा जिससे इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी, ठीक है यहाँ तक? तो अब किसी ने कहा चलो ठीक है, ठीक ठीक फोर्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, आपने कहा 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो स्प्रिंग में एक्स एक्सपेंशन है, मैं 10 की जगह 15 न्यूटन लगाऊं तो क्या स्प्रिंग की एक्सपेंशन ज़्यादा होगी कि कम? मैंने कहा ज़्यादा होगी। तो ठीक है, उसने कहा रूल बना लेते हैं कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही स्प्रिंग में क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन। ये बिल्कुल सही बात है, वो डाउट इसमें। तो स्प्रिंग का रूल बन गया, तो स्प्रिंग का क्या रूल बना कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्प्रिंग में क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन। वो डाउट इसमें, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि किसी ने कहा ठीक है सर बढ़िया चीज़ है, तो एक काम करते हैं, दो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, एक स्टूडेंट 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा और एक स्टूडेंट भी, दूसरा भी 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो एक्स की वैल्यू दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपेंशन दोनों में क्या होगी, सेम। ऐसा ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं है? क्यों ज़रूरी नहीं है? हाँ, एक स्टूडेंट को मैंने लोहे का स्प्रिंग दिया, एक को एल्यूमिनियम का दिया, सॉफ्ट स्प्रिंग दिया, एक को हार्ड स्प्रिंग दिया। तो जो हार्ड स्प्रिंग लेके बैठा है वो भी 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, जो सॉफ्ट स्प्रिंग लेके जा रहा है या इलास्टिक ज़्यादा है वो भी 20 लगा रहा है, तो जो सॉफ्ट स्प्रिंग है उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा हो गई, और जो हार्ड स्प्रिंग है, स्टिफनेस बोलते हैं, स्टिफ है, उसकी एक्सपेंशन कम हो गई, जबकि फोर्स दोनों ने सेम लगाई। तो इसका मतलब ये रूल तो सही नहीं बैठा। इस रूल को सही करने के लिए एक और चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, और वो क्या है, स्प्रिंग का मटेरियल। स्प्रिंग किसका बना हुआ है, तो स्प्रिंग के मटेरियल के लिए कांस्टेंट लगेगा जिसका नाम क्या है, के, के, वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, या कभी कभी इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या शो करेगा, स्प्रिंग का मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा। जितना बड़ा के होगा
उतना ही हार्ड स्प्रिंग होगा, स्टिफनेस ज़्यादा होगी। के छोटा होगा, स्टिफनेस कम होगी, सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, मतलब ईजी टू एक्सपैंड है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो एक्स एक्सपेंशन है वो फोर्स पे तो डिपेंडेंट है ही, साथ में के पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर फोर्स दोनों में सेम लगती है पर एक स्प्रिंग हार्ड है, हार्ड का मतलब के ज़्यादा है, तो उसमें एक्सपेंशन कम होगी, और एक बढ़िया स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग है, तो उसका के क्या होगा, कम होगा, तो एक्स की वैल्यू उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो दो फैक्टर हैं, तो स्प्रिंग की जो फोर्स है, जो मैंने फोर्स लगाई स्प्रिंग के ऊपर एफ, उसका फॉर्मूला क्या बन गया, के इंटू एक्स। देखो आप तो फोर्स जो मर्जी लगाओ, आप 10 न्यूटन लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, पर लेकिन जो एक्सपेंशन इन स्प्रिंग है वो आपकी फोर्स पे कैसे डिपेंडेंट है, ये समझ में आ रहा है? पहला रूल क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये स्प्रिंग की फोर्स आ गई एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब सपोज करो आपने फोर्स लगानी शुरू कर दी, स्प्रिंग बाय नेचर अपनी नेचुरल लेंथ पे रहना पसंद करता है, वो कहते हैं मुझे ऐसी रहने दो, मेरे को मत छेड़ो, ना एक्सपैंड करो ना कंप्रेस करो, पर आप नहीं हटे, आपने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड, उसकी नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो। एक्सपैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। स्प्रिंग नाराज हो जाएगा, स्प्रिंग कहेगा मेरे अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हो, तो मैं अपने अंदर एनर्जी भर लूंगा आपके अगेंस्ट, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग इलास्टिक एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो जब आप एक स्प्रिंग को किसी फोर्स से खींचते हो, आप डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक्सपेंशन प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हो। तो मान लो आपने 10 जूल का वर्क डन किया, स्प्रिंग को खींच दिया, तो जब आप उसे छोड़ेंगे, स्प्रिंग कहेगा ठीक है छोड़ के देख, स्प्रिंग वापस आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या स्टोर हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, जितना आपने स्प्रिंग के ऊपर खींचने में क्या किया, वर्क डन किया, वही उसकी स्प्रिंग की एनर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? तो स्प्रिंग की एनर्जी समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो या फिर उल्टा भी ट्रू है, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो भी आप क्या करते हो, उसके अगेंस्ट नेचर काम करते हो, तो आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेशन में क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। तो जब आप कंप्रेशन में वर्क डन कर रहे हो, तो जितना वर्क डन कर रहे हो, आप छोड़ के देखो, स्प्रिंग वापस आपको जो है खुल जाएगा, तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? सही। फॉर एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, जैसे आपके पास एक सपोज स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ पे है। जितने स्प्रिंग हम स्टडी करते हैं वो मासलेस हैं, उसका मास नहीं लेना, ठीक। ये स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को फोर्स लगा के एक्सपैंड करवा दिया, तो आपने फोर्स लगाई एफ और ये स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। तो ऐसा करने में आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन। तो ये कितना एक्सपैंड हुआ नेचुरल लेंथ से, लेट अस सपोज ये जो एक्सपैंड हुआ ये हुआ वाई, मान लो वाई इज द एक्सपेंशन दिस स्प्रिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क डन निकालना है जब स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक आ गया। समझ में आ रहा है? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे सिर्फ ये बताओ, जब आपने स्प्रिंग को यहाँ तक खींचा था तो आपकी फोर्स कम लगी थी, क्योंकि एफ क्या होता है, के इंटू वाई, जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन करोगे फोर्स भी उतनी ज़्यादा। तो आपने एक्सपेंशन बढ़ाई तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा लगानी पड़ी। आप और एक्सपेंड करना चाहते हो स्प्रिंग, आपको फोर्स और लगानी पड़ेगी। आप और एक्सपेंड करना चाहते हो, आपको फोर्स और लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी फोर्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू वाई। आप जितना वाई बढ़ाते जाओगे आपकी फोर्स बढ़ती जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पूरे प्रोसेस में फोर्स इज अ कॉन्स्टेंट, यस कि नो? नो, फोर्स इज अ वेरिएबल। फोर्स कैसे चेंज हो रही है, वाई के साथ चेंज हो, जितना वाई करते जा रहे हो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ स्प्रिंग का यहाँ से यहाँ लाने में, आप वर्क डन के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल फोर्स में क्या लगती है, इंटीग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो इंटीग्रेशन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ता है, स्मॉल वर्क डन, फिर इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन क्यों लगेगी, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। ठीक है यहाँ तक? तो इस केस में लेट अस सपोज रास्ते में ये स्प्रिंग कभी यहाँ तक आया था,
मान लो यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से यहाँ आया होगा बस, तो यहाँ से यहाँ आने में उसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है डी वाई, या एक्सपेंशन टोटल वाई है पर अभी एक्सपेंशन कितनी है सिर्फ डी वाई, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू तो हमेशा ही के इन टू वाई है, मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई तो वेरिएबल है ना, वाई तो वेरी, तो एफ इज इक्वल टू के वाई और स्मॉल एक्सपेंशन डी वाई, तो स्मॉल एक्सपेंशन में आपको क्या करना पड़ा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैसे, फोर्स आपने नीचे लगाई, एक्सपेंशन आपकी नीचे है, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो स्मॉल वर्क डन क्या है, एफ इंटू डी वाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वर्क डन, क्या ये रूल क्लियर है यहाँ तक, मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से, जब हम बोलते हैं इंटीग्रेशन से तो इंटीग्रेशन का मतलब पहले स्मॉल वर्क डन निकलेगा, स्मॉल वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर एक्सपेंशन मैंने छोटी ले ली डी वाई, तो वर्क डन छोटा है, तो टोटल वर्क डन के लिए एफ की जगह क्या पुट करेंगे, के वाई, के वाई, टोटल वर्क डन के लिए दोनों साइड्स की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, के तो कांस्टेंट है, अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स, जब स्प्रिंग यहां पे था, जब स्प्रिंग यहां पे था तो मुझे कुछ ना करना पड़ा, वर्क डन की वैल्यू जीरो थी, एक्सपेंशन हुआ ही नहीं, जब वर्क डन जीरो है तो एक्सपेंशन कितनी है जीरो, और जब मुझे एक्सपेंशन कितनी करनी पड़ी टोटल वाई, तो वर्क डन कितना करना पड़ा डब्ल्यू, तो रूल समझ में आ रहा है, तो वर्क डन की लिमिट जीरो से डब्ल्यू और एक्सपेंशन की जो लिमिट है वो जीरो से वाई, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वाई एक्सपेंशन का टोटल वर्क डन आ जाएगा, तो वन डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू, के कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर बाई टू कहां से कहां तक जीरो से वाई, तो अगर आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हाफ के वाई स्क्वायर, और यही स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, ठीक है यहां तक। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये तो आपने जीरो से वाई की का वर्क डन निकाल दिया, मुझे क्या निकालना है, वो कहता है कि मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को आप सिर्फ ये निकाल के दो इसमें कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है और आप इसे एक्सपैंड कर रहे थे, नो डाउट आप एक्सपैंड करो कोई दिक्कत नहीं, आपकी रास्ते में अभी एक्सपेंशन, लेट अस सपोज वो कह रहा है कि ये नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, अभी एक्सपेंशन हुई थी आपकी वाई आई, वाई आई मतलब नेचुरल लेंथ से अभी आप यहाँ पर थे, फिर आपने एक्सपेंशन नेचुरल लेंथ से फाइनल कितनी कर दी वाई एफ, वैसे तो आपने यहाँ से यहाँ की है पर आप जब रास्ते में जा रहे थे तो आप यहाँ पे भी आए थे फिर आप यहाँ पे भी आए थे, तो मुझे आप वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ बस इतनी एक्सपेंशन का, बस वाई आई से वाई एफ, मुझे ये मत बताओ जीरो से वाई का वर्क डन, मुझे बताओ कि जब मेरी एक्सपेंशन वाई आई है रास्ते में होगी होगी और जब मेरी एक्सपेंशन वाई एफ है तो यहां से यहां आने में मुझे कितना काम करना पड़ा, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आ रहा है यहां तक, बोलो मैं क्या चीज चेंज करूं, उसमें क्या चीज चेंज करूं, लिमिट्स, लिमिट्स क्या यूज करूं, y की लिमिट्स क्या यूज करूं, y i से y f, बस, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें सिंपली लिमिट्स को चेंज करना है, कैसे, y i से लेके y f तक, y i से लेके y f तक, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू के कॉन्स्टेंट है, y f का स्क्वायर माइनस y i का स्क्वायर, इसे ओपन करो, हाफ के वाई एफ का स्क्वायर, हाफ के वाई आई का स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या थी इसमें, मैंने कहा वो क्यों, कहता सीधा ही फॉर्मूला लगा लेते, फाइनल स्प्रिंग की एनर्जी माइनस इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी, तो आज के बाद हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे इसमें कि इनिशियल 2 सेंटीमीटर से स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर पर लेके जाना है, कौन करेगा लिमिट्स 2 से 4 की इंटीग्रेशन, हम सिंपली क्या करेंगे, पहले एक्सपेंशन 4 है फिर एक्सपेंशन 2 है, पुट करेंगे आंसर, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हो और वर्क डन करते हो, वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, हमने करके देख लिया, और रास्ते में क्या हुआ उस पे डिपेंड करता ही नहीं। तो फिर एक नया रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या है, स्प्रिंग की फोर्स इज कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो अब हमारे पास इस चैप्टर में दो फोर्सेस कंजर्वेटिव हो गई, पहली ग्रेविटी की फोर्स। तो ग्रेविटी की फोर्स में भी हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करते आए हैं, सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग के अंदर भी ईजी हो गया, हमें इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस लेंगे, हमारे पास सीधा वर्क डन आएगा, तो हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग की फोर्सेस कंजर्वेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?